नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि केंद्रीय कर्मचारियों की लगेगी लॉटरी, डीए हाइक के साथ मिलेगा 3 महीने का एरियर, अक्टूबर में इतनी बढ़कर आएगी सैलरी। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होने जा रही है और बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, भले ही केंद्र सरकार नवरात्र और दिवाली के बीच अपने कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी काफ़ी समय से महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डीए में 4% की बढ़ोतरी होने जा रही है। सरकार जब भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान करे, लेकिन इसे 1 जुलाई 2023 से लागू माना जाएगा। यानी अगर सरकार अक्टूबर में भी डीए बढ़ने का ऐलान करती है तो 3 महीने का एरियर अक्टूबर महीने की सैलरी के साथ मिलेगा। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की लग जाएगी लॉटरी। इंडस्ट्रियल लेबर के डेटे के मुताबिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर डीए कैलकुलेट किया जाता है। फॉर्मूले के हिसाब से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी होने जा रही है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42% से बढ़कर 46% हो जाएगा। सरकार के 4% डीए बढ़ने से कर्मचारी की सैलरी में जबरदस्त इजाफा होगा। अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 50,000 रुपये मंथली है तो उसकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपये है तो उन्हें अभी डीए के तौर पर 6,300 रुपये मिलते हैं, जो मूल वेतन का 42% है। अगर डीए में 4% की बढ़ोतरी होती है तो सैलरी में डीए बढ़कर 6,900 रुपये मंथली हो जाएगा, यानी सैलरी में सीधे तौर पर 600 रुपये की बढ़ोतरी होगी। अगर किसी का वेतन 50,000 रुपये मंथली है और बेसिक सैलरी 15,000 रुपये है तो सैलरी में 600 रुपये मंथली बढ़ जाएंगे। ये बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई से मिलेगा, यानी अगर आपकी सैलरी में 600 मंथली की बढ़ोतरी होती है तो सैलरी में 3 महीने का डीए एरियर यानी जुलाई से सितंबर तक का रुका हुआ डीए भी मिलेगा। सैलरी में अक्टूबर का डीए भी मिलेगा तो 2,400 रुपये अक्टूबर की सैलरी में आएंगे। दिवाली से पहले कर्मचारियों को डीए का फायदा मिल जाएगा, साथ ही सरकार दिवाली बोनस भी देगी। दोस्तों, डीए सरकारी कर्मचारी को दिया जाता है जबकि डीआर पेंशनर्स को दिया जाता है। डीए और डीआर में साल में 2 बार बढ़ोतरी होती है, जनवरी और जुलाई में। फिलहाल 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को 42% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। मार्च 2023 में आखिरी बार डीए 4% बढ़ाया गया था और महंगाई भत्ता बढ़कर 42% हो गया था। डीए में 4% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड, हिमाचल प्रदेश जैसी राज्य सरकारों ने भी अपने राज्य सरकार के कर्मचारी के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।